मैं आपको हलवाई स्टाइल की खट्टी मीठी चटपटी कद्दू की सब्जी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। इसे हम बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। आप इसे पूड़ी, पराठे, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं, और आप चाहे तो इसे लंच बॉक्स में भी बना करके ले जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। ये हमने 750 ग्राम का हरे रंग का कच्चा कद्दू लिया है। इसकी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अब हम इसे काट लेते हैं। अब हम इसे लंबे पीस में काट लेते हैं। अब मैं इसमें से एक पीस ले लेती हूँ। आप चाहे तो कद्दू के पीछे वाले छिलके को छील सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट है इसीलिए मैं इसको नहीं छीलूंगी। इसका जो बीज वाला पोर्शन है उसे मैं निकाल देती हूँ। देखिए हमने ये निकाल दिया है। अब हम कद्दू को थोड़े बड़े पीस में काट लेते हैं। हमें इस तरीके से कद्दू को काटना है। आप अपने हिसाब से थोड़े से बड़े या छोटे पीस भी काट सकते हैं। इस तरीके से हम सभी कद्दू को काट के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी कद्दू को काट लिया है। चलिए अब सब्जी बना लेते हैं। अब हम पैन में 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं, यानी मस्टर्ड ऑयल। ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, और ऑयल को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। ये हमने 1 टीस्पून मेथी लिया वो डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून राई। इस सब्जी को मेथी में ही बनाया जाता है, उसकी वजह से ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहे तो जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चुटकी हींग, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अब ये मेथी और राई भुन गई है। ये हमने 2 हरी मिर्च लिया वो डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कद्दूकस कर लिया वो भी डाल देते हैं। अब दोनों चीजों को हल्का सा भून लेते हैं। अब ये दोनों चीजें भुन गई हैं। ये हमने 1/2 टीस्पून हल्दी लिया वो डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। अब हम कुछ सेकंड के लिए मसालों को भून लेते हैं, जिससे कि मसालों के अंदर जितना भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। अब ये मसाले भुन गए हैं। ये जो हमने कद्दू काटा था वो डाल देते हैं। अब हम कद्दू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट करीब इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो कद्दू का टेस्ट बढ़ जाएगा, उसकी वजह से सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। 1 मिनट करीब हो गया है, अब ये कद्दू भी भुन गया है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून काला नमक डाल देते हैं, उससे सब्जी में फ्लेवर अच्छा आता है और सब्जी खाने में भी टेस्टी लगती है। 1/4 टीस्पून सफेद नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। नमक को सब्जी में मिक्स कर देते हैं। अब हम सब्जी में 2 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। अब हम सब्जी को ढक देते हैं, स्लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देते हैं। 5 मिनट करीब हो गए हैं। अब हम इसे चला देते हैं। हमने इस सब्जी को बीच में 1-2 बार ऊपर नीचे कर दिया था, जिससे कि काशी फल चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। इस सब्जी में खट्टा मीठा टेस्ट है, इसके लिए ये हमने 1 टेबलस्पून गुड़ लिया है वो डाल देते हैं। आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, अब हम इसे भी क्रश करके डाल देते हैं। इसे सब्जी में फ्लेवर अच्छा आएगा और सब्जी खाने में भी टेस्टी लगेगी। और दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। सब्जी को 1 मिनट करीब ढक के और पका लेते हैं, क्योंकि हमने जो गुड़ डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1 मिनट करीब हो गया है। अब ये सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हम काशीफल को दबा रहे हैं तो ये इजीली दब रहा है, इसका मतलब ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं।
उसके अंदर एक नींबू का रस डाल देते हैं, उससे सब्जी में खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, उसकी वजह से सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप एक टीस्पून अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, जिसे खटाई भी बोलते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं। अभी सब्जी बनके तैयार हो गई है, अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया खट्टी मीठी चटपटी कद्दू की सब्जी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इसे पूरी, पराठे, चपाती, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।